पहुंच गया साकिब का। हाथ करते हैं तो फिर हंसने लग जाता है। अब हंसता है वो, देखे मम्मा ने उठाया हुआ है। हंस रहा है साकिब। किसने उठाया हुआ है? बस करो, कौसा ना रो। बुला रहे हो, क्या बात हुई? कोर्ट ने मेरा इरफान का जो उस दिन हमने ढूंढा था ना। हाँ जी, वही बोल रही हूँ। पूछ रही हूँ मम्मी से कि इरफान का कोर्ट किधर किया है, जो फरमान भाई क्या ना वैसा ही था। तो मम्मी ने बोला है कि मैंने तो पेटी से बहर निकाल लिया था जी। वो सबको कपड़े दिया है, बांटा है, पता नहीं कहीं चला गया। हाँ, इन्हें कपड़े में मैक्स हो गया तो किसी के पास चला गया। हाँ, उस दिन मायर भाभी देख देख कर थक गई। वो होता तो मैं सारे कपड़े अपने देख रहा था, सामने में निकाल लेता ना। वो नहीं था उनमें। नहीं, ये बात नहीं, जो रख लिया था अम्मी ने ये हमने नहीं देखा। भाभी की पेटी में भी नहीं देखा और मैं अपनी पेटी में भी नहीं देखा। शायद इधर होगा, ये पता नहीं है। अगर वो कोट किसी को देते भी थे तो मेरी नजर से तो वो नहीं बच सकता था ना, मेरे सामने तो आ जाता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो ना मेरी पेटी में फिर कल सुबह देखेंगे इसमें भी और वो दूसरी पेटी में भी देखेंगे जी। तो टाइम नहीं है, ये इन्होंने ना देखें कितनी ठंड होती है। फिर भी ये हाँ जी, ये क्या कर रही है? दूध गर्म कर रहे हैं। सालन मालन की छुट्टी है? हाँ जी। कुछ नहीं बनाना आज? नहीं। दूध गर्म कैसे करना है? नहीं, वो ऐसे अंगारे बना के ना उस पे रख देती हूँ। वो मैंने देखा नहीं था पहले, जो पानी इतना ठंडा है। वो मैंने ऐसे इतनी चीखे मार रहा था, जल्दी जल्दी से ना मैं बनाने लग गई। और अभी वो ना नहीं पी रहा था, तो अम्मी ने देखा तो इतना ठंडा था इसलिए नहीं पी रहा था। तो अभी ना उसको ऐसे तो ये देखिए बना लिया है, गिलास में डालेंगे अभी। हाँ, ये इसको ना गिलास में डाल के उधर रख दूंगी, थोड़ा सा गर्म करके ना फिर दे दूंगी। तो आपको पहले वो पानी उबालना चाहिए था थोड़ा। वही तो भूल गई हूँ, इसमें गलती मेरी है बस, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। इसमें झगड़े करने की, झगड़ा नहीं कर रहा, आंदा के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको फीडर को उधर रखेंगे। बोल रही हूँ गिलास में डालूंगी। अच्छा, मैंने नहीं, ये देखें डाल दिया ना, अभी दूध को गर्म करूंगी। बात तो जलाए नहीं, ऐसे कैसे गर्म करेंगे? किधर है इतनी जल्दी? हाँ जी, आटा ले आई तो भाग गई। हाँ जी। अच्छा, पानी लेने जा रही हूँ। ले आओ ले आओ। अभी आप जला ली? हाँ जी। हाँ, मैं किसी काम से गई थी, मैं इरफान भाई को कहा कि आप बना भी लोग। वो उन्होंने बनाया है, मैं दूध गर्म कर रही थी जी। अभी कर लिया है, अभी साकिब को देने के लिए जा रहे हैं, तो फिर सालन बनाते हैं। आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, फरमान भी उधर लेने के लिए गया हुआ है। हाँ जी। तो अभी अभी ना अबू की कॉल आई थी। हाँ जी। तो कॉल जो है हमने सुन लिया है, काम था वो अबू ने काम बता दिया है। जो काम था वो तो कमरान चला गया है। हाँ, तो पहले भी चला गया। हाँ, वो पहले चला गया, उन्होंने फरमान भाई ने बताया है, वो हमने टाइम से उधर भेज दिया। और मैं आपको काम बोल रही थी, आपने ऐसा करें, चिकन जो रखा हुआ है फ्रिज में, हाँ जी, उसको जाकर धो लें अच्छे तरीके से, एक एक बोटी करके धो लें, क्योंकि बहन भी कहते हैं एक एक बोटी करके धोया करें जी। हाँ, चिकन धो के आए मैं इधर से ना, जब तक मसाले की बुनाई कर लूँ। हाँ जी। तो उसके बाद जो है फिर चिकन डालेंगे। ठीक है, मुझे थाल भी उठा कर देना छोटा। हाँ जी, उठा। वो तो चिकन रखा है, वो दूसरा पड़ा हुआ वो ले आना, बोल रही थी। तो चिकन भी धो के आ जाना। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद जो है फिर रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे टाइम से, और साकिब के कपड़े भी उठाएंगे, उधर से पड़े हुए हैं, और शायद वो नीचे भी गिर गए हैं, वो देखेंगे। ले आएंगे। हाँ, ये आपके पीछे भी रखे हुए हैं। हाँ जी। ओके जय। मैं आई हूँ चिकन लेने, अभी लेकर धोने जा रही हूँ। ये देखे, वो गिरता था नीचे, ये भी रख देती हूँ। अब इसका ढक्कन बंद करती हूँ। लेके जा रही हूँ
धोने के लिए। यहाँ चलते हैं, ये देखो वो देखे मेहमान जी आ चुके हैं, वो जा रहे हैं मेहमान भाई लेकर। चिकन मैंने धो लिया, अब मैं चिकन लेके जा रही हूँ। देखिए आप कहाँ गई थी, कहाँ थी? तो तू चाह तो खिलावे हाँ। हाँ साकेब खान किधर पहुंच गया? साकेब खान हाथ करते हैं तो फिर हंसने लग जाता है। अब हंसता है वो, देखे मम्मा ने उठाया हुआ है, हंस रहा है। साकेब किसने उठाया हुआ है? है वो जैसे ऐसे ऐसे करती है वो हंसने लग जाता है। ओ बाप को ही के घर दे बाल होना ना, बाल को क्या कर दे, वो पियो माँ को बोल ना ना क्या की साथ ना जाके माँ बात करे, उन्हें पियो माँ वो होता। जी हाँ जी हाँ। साकेब किधर पहुँच गए, किधर पहुँच गए, किधर किधर पहुँच गए? ओ वो देखे वो आ रहा है बाबा, दादाबू नहीं आएगा, दादाबू नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा, आएगा आएगा, चुप करो, चुप चुप चुप, वो आएगा, वो आ गया दादाबू, आ गया है, किधर आ गया है, वो आ गया, दादाबू आ गया, आ गया दादाबू, किधर है, किधर है, किधर? हाँ ठीक है, सब नाम लेते हैं तो फिर रोने लग जाते हैं। ये हमारा बेटा है, सबर करो बस। हाँ जी ये तो हमारा बेटा है ना, कौशल का बेटा नहीं, सोबिया का बेटा है, सोबिया तुम ही पालो ना। हाँ जी कौशल को अल्लाह पाक ब्याह देगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक और दे देगा। हाँ जी अच्छा। और सुनाओ खाला तबीयत से ठीक है? ठीक अल्लाह का करम है, ठीक घर में सब ठीक ठाक थे? हाँ ठीक था, अभी अल्लाह की रहमत थी, सब ठीक हैं। और वो जो हमारी भतीजी और पैदा हुई है वो भी ठीक है? जी और भी ठीक है। अच्छा हाँ जी, ठंड की वजह से जरा ना ठंड बहुत पड़ती है ना, इसलिए जी जी नजला शजला तो ठीक है। हाँ हाँ जुकाम वगैरह गया ठीक है, मौसम है, नजला वगैरह के मौसम है ना। हाँ बच्चे छोटे बच्चे बच्चों को तो ठंड से बचाना चाहिए ना। हाँ जी बहुत कोशिश करेंगे है। अच्छा हाँ जी, हीटर ले आए वो जलेते हैं रात का अंदर गैस पर। अच्छा हाँ जी गैस गैस पे जलता है? हाँ जी हीटर गैस पे चलता है। सही है। हाँ जी, हाँ जी क्या है, कैसी हो? ठीक। हंसती क्यों हुआ, मैं बात कर रहा हूँ, आप हंसती हो? पानी सोबिया को भी दे दो। अच्छा इसके अम्मी की भी तैयारी थी, वो उन्होंने क्या कहा? जो कल कल साकू रोक लिया था वे आज ना जाओ तो कल जरा ना कटे जाएंगे। अच्छा फिर शामी नु फोन आ गया जरा सा सुमर पहने हो जले मेरे अबू का फोन आ गया के ओ जरा ताली एक दो दिन भी जाते थे पूछा जाते हो तो चले जाओ। अच्छा अच्छा हमने पूछा है बेली साकू रो क्या है वाला क्यों नहीं जा रहे, वो शाजिया थे ना जरी उसकी कजन उसके। हाँ हाँ उन्हें बोला था कि मेरे तेरा नाम निक्के की तबीयत कुछ ठीक नहीं था इसलिए। अच्छा अच्छा हाँ जी चलो वाला खैर करेगा। हाँ। असा के सारे बाले को स्कूल या छुट्टियां थी गए ना सा चलो जाओ ओए बे निकल हो। हाँ, 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 उसका भी बेटा है। हाँ, उसको बुखार रहते वो ठीक थी वैसी वाला मेरी अम्मी को बोले मैं के चलो ओ हाली दीवे दी तू आ चलो कट्ठे जुलू जो नहीं मैं को और बजाने दी आदि कट्ठे वैसू।
वालेकुम अस्सलाम, पहुंच गए चाचू जी। हाँ कमरान किधर लेके गया वो था। अस्सलाम वालेकुम। साकिब भी मिलने आ गया है आपसे। वाह भाई वाह, ये तो पापा शेर पहले अच्छा के बस सारी बाली कर ये बात ही हूं पलू कर रहा है। बस कितना सा पैदा हुआ था। साकिब मिल लिया, चलो चले अब बाहर चले। चलो वह सेब हसीब, उठो बुखार देखें तेज है, ठंड ठंड में सोए हुए, अंदर चले जाओ। हाँ उठो, अंदर जो है वो बिस्तरा बना हुआ है हसीब का, वो बना दो फिर हसीब अंदर सोता है, ठीक है। हाँ टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। बस ये ठंड की वजह से ना, वो आप परसों रात ठंड में पड़े रहे ना अंदर, किसी को बताते आपको रजाई दे देते। हसीब ने ना जब परसों मेहमान हमारे जाते थे तब तो ना छोटे से जो बारीक कंबल हैं उन कंबलों में सोए थे बच्चे, तो हसीब को शायद ठंड लगती रही, तो इसने बताया नहीं था हमें कि मुझे ठंड लग रही है, तो बाद में पता चला कि इसको बुखार आ गया। तो अल्लाह करम करेगा। और बंदर जो मस्जिद के पास रखे थे वो लेके आए हैं, और इस बंदर के साथ साथ ना वो मस्जिद की फट्टियाँ वगैरह जो बांध रही है ना वो भी बांध चुकी हैं, जहाँ पर बच्चे कुरान पाक रख के पढ़ेंगे वो फट्टियाँ वो भी इस बंदर के साथ साथ वो भी आ गई थी, तो मस्जिद में पहुँचा दिया। और बाकी रंग अभी हो रहा है मस्जिद का, मैं अभी देख के आया हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। क्या कहता है, मुझे देख के हंस रहा है साकिब खान। वे साकिब खान मुझे देख के हंस रहे थे, हैं मेरा मजाक उड़ा रहे थे। साकिब साकिब, जब कोई बुलाता है तो नीचे सर चाल लेता है। हाँ ऐसे बोलता नहीं है, फिर बाद में देख के बोलता है। अब देख लिया, अब मुझे देख लिया है, हैं क्या पका रहे हो? अच्छा चिकन पका रहे हो। हाँ जी। हाँ सही है, मेहमान आ गए हैं ना, तो आज भी चिकन मंगवाया है कि दावत भी हो जाएगी। जी। सही है, दोनों बहनें मिल के पकाओ। जी वो आटा गूंद रही थी तो अभी ना ये लहसुन और अदरक ग्राइंड किया है ना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ हसीब आप चले जाओ अंदर। बस ये दुख लिखा था हमारे घर में, अल्लाह ताला ने दुख दे दिया। अल्लाह मेहरबानी करेगा, बूढ़े तो नहीं हो गए, अल्लाह ताला देगा। हाँ जी अल्लाह ताला देगा, जरूर देगा। अल्लाह ताला के दर से तुई मंगो, अल्लाह नाल एक थी वजो, अल्लाह सी देसी जरूर देसी, क्यों ना देसी, अल्लाह सी रोज ये पूरा देसी। देने वाला वही है और लेने वाला वही है। हाँ जी ये बात है, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल, अफसोस तो लगता है। हाँ जी अगर औलाद हो गई औलाद का दुख तो लगता है ना। करेगा देगा जी जी, जरूर आया है तो हंसाएगा वही। बिल्कुल वो भी दिन आने हैं। सुबह के आम तो ठीक खड़ा के आए कि बेबी ठीक है। ठीक है वो भी, का नाम दुआ, उसका नाम भी दुआ रख दिया। हाँ जी प्यारा नाम है। हाँ जी
के बहन भाई बता रहे थे ना कि दुआ फातिमा रखो। हाँ हाँ। सांके सारे जरे नाल बली की है रिश्तेदार है ना उसके नाम है कहीं ईमान फातिमा है गुलाम फातिमा है। हाँ। फातिमा नहीं से रख सकते कल ही दुआ आपको तो रख सक दो दुआ बीबी ऐसा दुआ बीबी रखे से दो नाम रखो ना सारा जरा दिया मोल है ना और एक कुछ आग देते दे एक नाम कुछ आगे एक ही नाम वो दुआ बीबी चरखे वो बात सही है भैया। हाँ हाँ बहुत प्यारा नाम है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी मौसम भी ठीक आसन ठीक है के दुआ सलाम दे रहे फरमान भाई को सारी तरफ से बहना या कराए चाहिए चाह अफसोस कराए चाह असाल आ नहीं सकते कि वजह सारे छोटे छोटे बच्चे है ना ठंड बहुत। हाँ जी हाँ जी हाँ चार बच्चे थे वाला अपनी सवारी नहीं है वाली बंदा अपनी की कार चार हो दिए वाला वाला ही चलो आ सकते है इसलिए हाँ बहुत मुश्किल होती है। हाँ जी जब कोई सर जाए मठा थी वैसे वाला को जो वो जो दुआ भी दियो इसको लड़ाई थी उसी वाला बात हाँ जी चलो कोई बात नहीं मुझसे हाँ। बात हुई थी मैंने पूछा आप आपकी तैयारी थी तो आप नहीं है कहता है नहीं बस अम्मी अबू को भेज दिया है तो यही है मसला है तो मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ जी फिर भी उनकी मेहरबानी है हमारे दुख में शामिल हो गए शरीक हो गए। जी जी अपने भी होते हैं दुख सुख बांटते और बिल्कुल बिल्कुल बस ऐसे हम खुशी से ही लेकर जा रहे थे बेबी होने वाला है सब घर वाले। हाँ जी हाँ अचानक से सब कुछ ना ऐसा था ना सदमा बस हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा बस इसलिए ज्यादा दुख है अफसोस है। हाँ जी और तक तो ठीक ठाक रह गए कुछ ही कहना है ऐसा भी नहीं सुनिया ऐसा ही मैं अचानक सुनिया है भले वो वीडियो सीडिया ही खड़ी हूँ रिक्शे से सुनिया से और मोहसिन बेटा की बोले के फरमान दो जरा ना मैसेज करो कर पूछो भले क्या बात है कैसे जी मैं अचानक जी जी धोखा गए बस वो डेट जो बताई गई थी तो वही डेट करीब ही थी एक दो दिन रहते थे। हाँ जी। तो पहले ये तकलीफ शुरू हुई लेके जा रहे थे वहाँ पहुँचे तो कहते हैं बच्चा अंदर ही ख़त्म हो गया फिर दो दिन उधर हॉस्पिटल में विक्टोरिया में रहे। हाँ सब हमारे देखने वाले रिश्तेदार यही कह रहे थे कि फ़ौरन ऑपरेशन करा लें करा लें लेकिन डॉक्टरों को हम कहते थे वो कहते थे नहीं नॉर्मल होगा ऑपरेशन से बच्चे नॉर्मल कराएं तो दो दिन वहाँ लग गए एक रात एक दिन और दूसरी रात फिर वहाँ पर जाकर वो रात के 1:30-2 बजे केस हुआ है वो भी नॉर्मल हो गया। हाँ जी हाँ चलो बहुत अच्छा है ये भी बड़े परेशान अब अभी पहला बच्चा था बड़े बड़े परेशान जरे होने ना वो बहुत कंधे होने चंगे नहीं होने। हाँ जी हम जे मरियम बीबी के वारी पे वड़ा परेशान थे हम कौन पूछो जो क्या गुजरती है। हाँ। ना कोई बंदा बाहर उठा सकता है ना कि ढेर सफर कर सकता है जी बना टूट जाता है ना। हाँ जी इसलिए कुछ कोई काम बाहर कर सारे देहात का माहौल है कोई बाहर काम नहीं की दे। हाँ। इसलिए अल्लाह पाक मेहरबानी करे ए जरा बड़ा दुख ना देवे सही है तो अल्लाह पाक को देता हूं मैं के दे अपना बच्चा। हां जी बड़ा बच्चा है वो ता अंदर का अल्लाह को प्यारा थे गया बड़ा उनको ऑपरेशन करो कपो टुको वही ता बंदा वाला गढोर से हां ते वाला 3-4 महीने लग जाते हैं ना उसको जख्म कुछ उठाते हैं। हां और जो सदमा है आप खुद देखें अभी आए हैं और रोने लग गए तो ऐसे रोई रोती तो तकलीफ होती ना ऑपरेशन के साथ। इस तरह बंदा बोल भी नहीं सकता जी बहुत लोग बंदा भोग ही बैठा है ना उसको पता है
ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੁਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਧੋਪ ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਥੋਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕਾਇ ਨਾ ਟੋਰੀ ਕਾ ਸਗਿਆ ਇੱਕ ਟੁਰਾਉਣਾ ਪੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਬ ਰਹਿ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਇੱਥਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਪਾ ਬੀ ਕਨੂੰ ਬਚਾਏ ਸੀ ਲਾਡੇ ਤਰਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੇ। आमीन आमीन इंशाल्लाह। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक फिर से ये हमारी खुशी ला। मैं जब ये बात सुनी था परेशान वाली, मैं अभी उस वक्त भी रो पड़ी। मैं अपने बेटे मोहसिन को बोला के फरमान भाई को बोलो के जरा ना कोशिश करे परेशान कर बचावे। हाँ हाँ, जे अगर ना ही सलाह बला यकीन बने तो पीछे जरा तो मजबूरी है। और दादी भी आ गई हैं मिलने के लिए। सब देर करे कुछ नहीं बनता। बैठो रोने से वापस आता तो वापस तो कोई नहीं आता। वापस यादन नहीं मिले रोन रखते लोग कर लगते बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ जी, बड़े भी मेरा कुछ हम दिया ना अल्लाह से कुछ छड़े दे बड़े भी मेरा अल्लाह आपको कोशिश की थी। चलो जिंदे बाहर बिठी वैसू अल्लाह ने से वैसे कहानी करते हैं। जी जी, लेना भी उसी के हाथ में है, देना भी उसी के हाथ में है। पूरे कायनात के मालिक हैं अल्लाह। चलो बाप जो तुम्हारे हिस्से के देगा ना बहुत जल्द देगा, और तुम्हारे तुसा उसको पालो भी इंशाल्लाह खरिया से देगा। जी जी इंशाल्लाह। मैं भी वे तुम्हारे तरह रोती हूँ। अच्छा, मेरे पहले पहले छह बच्चे चले गए छह। अच्छा हाँ जी, वे रोते 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 कई साल गुजर गए। वो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो वाला पीछे तसल्ला देते हैं जो तू जरा नमाज पढ़ी कर अल्लाह पाक को याद किया कर, रूनी ना कर अल्लाह पाक तेको जरूर देगा तेरे ते जरा इससे कहोगे। फिर मैं नमाज पढ़ती हम, मैं रोजे रखती हम, मैं दुआई मांगती हम, अल्लाह पाक ने जब छह संभाले छह में तू दिखते मेरे इससे के। हाँ माशाल्लाह छह हैं। अल्लाह पाक दे दर ते दुआ होवे बस। आधी आधी बांट आधा मासे संभाल के तेरा जी। मरियम सलाम करो, दादी को सलाम करो। मरियम आपको बहुत याद करते थे मेरे देखने वाले कि वो कौन थी जो वहाँ कानपुर में आप आपकी खाला के साथ थी। मैंने कहा वो मेरी खाला की बेटी है। रात सुबह बोल रहे थे कि आसन बेटे बोला कि जरा ना मरियम तुम ना जाओ, देख पता है अभी कितना जा रही है कि मुझे पता नहीं है जरूर तक पता ही का नहीं तू कहीं गई है नहीं है कि मैं नहीं गई। मैं कह जाते सवा महीने की थी जब मैं गई थी। हाँ। छह साल की थी गई तो फिर आई। हाँ। छह साल की उनको कितना पता है कि मैं गई। लेकिन ये गई। तो है ना, चाहे इलाके को नहीं जानते लेकिन हमें तो जानते है ना। लेकिन आप कहते ना फरमान भे के तो उसको पता चल जाता। हाँ जी, मतलब बोला था मैं के जरा ना हम जा रहे हैं फरमान भे और देखा भाभी सोबिया देखा खाला तेरी देखा वाला तो आपको तो जान दी वाला क्या। हाँ जी, जब इरफान की शादी हुई तो नहीं आ सके। इरफान की शादी तो काफी ज्यादा बीमार थे। हाँ जी, और मुझे जरा ना बेर गेकरा निकला प्या सोरो जरा को बोलते हैं। हाँ अम्मी तेरी काला करती रही थे, मैं इसको बोलती रही कि मैं नहीं आ सकती। मेरी मजबूरी है। हाँ।
चलो कोई बात नहीं, ये तो दुख सुख तो जिंदगी में लिखे होते हैं।